हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास. मायसेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्सटबुक क्लास 12. तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर आगे बढ़े जो कि है एक्टिवेशन एनर्जी, अरहेनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी एंड यस ऑफ कोर्स कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, जिसके साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि विद्याकुल पर जो आपके लिए स्पेशली ये कोर्स लॉन्च किया है हमने, उसमें 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक लाइव सेशन के एक्सेस आपको फ्री में मिल रहा था. आप फ्री में आके लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं. काफी बच्चे मेरे लाइव सेशन अटेंड कर भी रहे थे और जिन्होंने नहीं किया है वो कल का लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं जो कि शार्प है 4:15 को. You can come, you can enjoy, you can watch previously recorded videos जो कि अभी चल रहा है Hello Alkanes and Hello Arenes का. YouTube पर भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी धीरे धीरे करके. तो बेसिकली कल वो आखिरी सेशन है लाइव सेशन का, और जो भी बच्चे जिन्हें ऐसा लगता है कि वो लाइव इंटरैक्ट करके टीचर के अटेंशन के साथ चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जो बच्चे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, जो बच्चे मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं, ऐसे सारे बच्चे जो एक चैनलाइज्ड प्रॉपर वे प्रॉपर प्लानिंग के साथ केमिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं वो जाकर विद्याकुल पे इस कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं. सिर्फ 2997 रुपीज में माय डियर स्टूडेंट्स आपको पूरा साल फ्री लाइव सेशन, पूरा साल आपको लाइव सेशन मिलेगा, आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम टू टाइम गाइडलाइंस मिलेगी. नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको रिविजन भी मिलेगा. तो इफ़ यू वॉन्ट आप वहाँ पे आके मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे इंटरेक्ट करते हुए चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. अगर नहीं तो लेट्स डू इट ऑन द YouTube पर तो हम कर ही रहे हैं. तो जो बच्चे YouTube पर हैं वो भी आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आंसर करूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. यस माई डियर स्टूडेंट्स, सो कोलिजन थियोरी को समझने से पहले ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्ट कब करता है. रिएक्शन होने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो एक दूसरे से कोलोइड होने चाहिए, यानी एक दूसरे से टकराने चाहिए. कोलिजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने कोलिजन हो रहे हैं ये हम मेजर करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी से. तो चलिए देखते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है. नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट टाइम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. यानी कि एक सेकेंड में 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने रिएक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे से टकराते हैं उसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम जेड सिंबल से डिनोट करते हैं. ऑफकोर्स सीधी सी बात है, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट एक दूसरे से टकराना है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि टकराने के बाद उसमें से कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि जेई का एग्जाम लाखों बच्चे देते हैं लेकिन उसमें से कितने बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं, ये वैसी ही सिचुएशन है. यानी यूजुअली किसी भी रिएक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई होती है, मतलब कि बहुत सारे रिएक्टिंग स्पीशीज, बहुत सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा कोलिजन करते हैं, लेकिन सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं. हर कोलिजन से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है. कोलिजन वही काउंट होते हैं जिसमें से आपको प्रोडक्ट जनरेट हो. यानी कि हो सकता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, सब टकरा रहे हैं, सब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन The collision which actually produces product are called effective collision. लेकिन जो बच्चे JEE exam qualify कर पाते हैं वही true preparation कर रहे होते हैं. वैसे ही collision वो successful या वो effective होता है जो reacting species colloid होने के बाद product में convert हो जाती है. तो question दिमाग में ये आता है कि ऐसा क्या हो जाता है रिएक्टिंग स्पीशीज के साथ कि सारे के सारे जो भी कोलोइड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाते. मतलब कि अगर 100 मॉलिक्यूल कोलोइड हो रहे थे तो 100 के 100 प्रोडक्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुए,
क्यों नहीं कन्वर्ट हुए माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि उनके पास दो बैरियर थे। ध्यान से सुनिएगा, कितने बैरियर्स की वजह से कोलिशन फ्रीक्वेंसी इफेक्टिव कोलिशन में कन्वर्ट नहीं हुई। लेट्स सी, पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर और दूसरा बैरियर है ओरिएंटेशन बैरियर। जरा ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी बैरियर क्या होता है बच्चा? अब आपको अच्छे से पता है कि जेईई के एग्जाम में एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर उस मार्क्स से आप नीचे हो तो आप क्वालिफाइड कंसीडर नहीं किए जाओगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। बात समझ में आई? तो ये हो गया एक एनर्जी बैरियर। उसके ऊपर जाओगे तभी आपको कंसीडर किया जाएगा कि आपने जेईई क्वालिफाई कर ली। यही चीजें मॉलिक्यूल्स के साथ भी होती है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितना भी कोलॉइड कर ले, लेकिन अगर उनके पास एक मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी की एनर्जी नहीं है, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। जब तक उस मॉलिक्यूल के पास थ्रेशहोल्ड एनर्जी नहीं होगी, कितना भी कोलिशन कर ले, वो कभी भी इफेक्टिव काउंट नहीं होगा, वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इफेक्टिव कोलिशन होने के लिए, उस मॉलिक्यूल के पास उसकी खुद की थ्रेशहोल्ड एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो मैंने बोला कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी है मेरे पास, ठीक है? मैं रिएक्टिंग स्पीशीज हूं, मेरे पास थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी है, मतलब मेरा कोलिशन तो इफेक्टिव है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? मान लो, देखो, दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखो NO2 मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, ये भी NO2 मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलॉइड कर रहे हैं। कोलॉइड करने के बाद इन लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया N2O4, है ना? तो बन रहा है प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में ये नाइट्रोजन हो गया आपका, और ये आपका नाइट्रोजन इस तरह से है, ठीक है? ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलॉइड हो रहे हैं, लेकिन ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं है। बात समझ में आ रही है? बॉन्ड कब बनेगा दोनों के बीच? जब दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ऑर्बिटल ओवरलैप कब करेंगे? जब वो इस तरह से एक दूसरे के पास आए कि वो ओवरलैपिंग कर सके। अगर एक एक्स एक्सिस वाला है और एक वाई एक्सिस वाला है, तो वो ओवरलैपिंग कर पाएगा क्या? कभी कभी नहीं कर पाएगा। तो कितना भी मॉलिक्यूल कोलॉइड हो, अगर उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि पूरी कोलिशन थ्योरी में से हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई। पहला, रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल का कोलिजन होना जरूरी है। दूसरा, कोलिजन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए हमारे पास थ्रेशहोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, और अगर थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी आ गई, तो आपका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये चार चीजें होंगी तभी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। कैसे? ये जो कोलिशन फ्रीक्वेंसी है, बताइए, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या कोलिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है? वो देख लेते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये देख लेते हैं कि जो आपने कोलिशन फ्रीक्वेंसी पढ़ी और इफेक्टिव कोलिशन पढ़ा, वो किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर अफेक्ट होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से वो और स्पीड में मूव करने लगते हैं और ज्यादा कोलिशन कैरी आउट करने लगते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिशन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि कोलिशन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी। लेकिन इट वॉज फाउंड दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, यानी रिएक्शन का जो रेट होता है, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हो, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, यानी दुगना तेज हो जाता है 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पे। यस सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इफेक्टिव कोलिजन के टर्म्स में यही चीज को स्टडी करने की बात करें, तो हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। अब वो क्या है, ध्यान से सुनिए। इसके लिए अब हमें घुसना पड़ेगा
मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे। अब भाई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स तो इतने सारे हैं, हम कैसे मेजर करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी? हर एक मॉलिक्यूल अपनी अपनी स्पीड से मूव कर रहा होगा कंटेनर के अंदर, तो हम कैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? तो यस बच्चा, मैक्सवेल ने अपना एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लॉ जनरेट किया और एक ग्राफ जनरेट किया, और उसने ये बोला कि हमें हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल की। मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर, तो उसमें से एवरेज मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस काइनेटिक एनर्जी को अटेन करके उस कंटेनर के अंदर मूव कर रहे हैं, है ना? तो उसने क्या किया, मैक्सवेल ने बोला एनी बाई एनटी को उसने रिप्रेजेंट किया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एनटी क्या डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एनई क्या डिनोट करता है माय डियर स्टूडेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिशन। यानी मान लो 100 रिएक्टिंग स्पीशीज है, और उस 100 रिएक्टिंग स्पीशीज में से 30 ही रिएक्टिंग स्पीशीज ऐसे हैं जो इफेक्टिव कोलिशन कैरी आउट कर रहे हैं। तो जब उसने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस उनकी एनर्जी का ग्राफ बनाया, तो उसे इस तरह का कर्व मिला। इस कर्व से उसे क्या इंफॉर्मेशन मिली वो समझने की कोशिश करो। तो उसने कर्व को देख के ये सोचा कि बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी या तो बहुत लो है या तो बहुत हाई है, और कंटेनर के अंदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो इस रेंज में आ रहे थे, ठीक है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी इस रेंज में फॉल आउट कर रही थी। तो इस पर्टिकुलर रेंज को या फिर इस पर्टिकुलर एनर्जी को उसने बोल दिया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेन कर रहे हैं उसे बोल दिया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर इसी काइनेटिक एनर्जी पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जब तक उस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी ना अटेन कर ले, तब तक वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम टेकअप करेंगे थोड़ा सा लेटर ऑन, जब हम अर्हेनियस इक्वेशन से पहले इस चीज को वापस कंटिन्यू करेंगे। पहले यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। उसने जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को एनर्जी के टर्म्स में प्लेस किया, तो ये तो उसका पहला ग्राफ हो गया जिसमें ये था मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। जब उसने 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे ही बढ़ाया और फिर से ग्राफ बनाया, तो T1 के केस में इतने मॉलिक्यूल्स थे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन जैसे ही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, उसी टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए वो डबल हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले कितने थे? पहले इस रीजन के मॉलिक्यूल्स इतने ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे उसमें डबल क्वांटिटी के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे। तो अरे भाई, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिशन अगर बढ़ गया, ज्यादा नंबर ऑफ या फिर ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि तापमान बढ़ाने पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिशन बढ़ रहा है। इफेक्टिव कोलिशन बढ़ने की वजह से माय डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। व्हाई? बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इफेक्टिव कोलिशन इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रेशहोल्ड एनर्जी अटेन करके प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम आगे देखेंगे अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहना चाहता है, ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं अर्हेनियस इक्वेशन की। सो बेसिकली अर्हेनियस इक्वेशन क्या करता है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन देता है।
अगर आपको रेट कांस्टेंट पता है, अगर आपको टेम्परेचर पता है, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब ये सारी बातें समझने के लिए अरहेनियस इक्वेशन बेसिकली है क्या, पहले वो देख लीजिए। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर ई ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर है, ए है आपका अरहेनियस कांस्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर उसे और क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा, इतना कुछ समझने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कैसे डिफरेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट मी टेल यू कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि जो फ्यूल होता है यानी कि पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, ठीक है, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका एक खुद का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। कुछ नहीं भी हो रहा होगा तो भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हल्का फुल्का कोलाइड हो रहे होंगे, तो वो हो गई उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी अभी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, वो सिर्फ कोलॉइड हो रहे हैं। लेकिन अगर उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, कहने का मतलब ये है कि फ्यूल जलना कब शुरू करता है, फ्यूल को जलाने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हीट सप्लाई करनी पड़ती है, ताकि आप क्या करोगे, ये आपका फ्यूल है जो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी अटेन करके बैठा है, शांति से समझिएगा, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, ये तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जब वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी अटेन कर पाएंगे। अरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं फिलहाल और उनकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट मान लीजिए इतनी है, इतनी एनर्जी अटेन करेंगे तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और अभी उनके पास है एवरेज काइनेटिक एनर्जी और उनको पहुंचना है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो एवरेज ये काइनेटिक एनर्जी में जो आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी की एनर्जी ऐड करोगे ताकि वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि जो फ्यूल था आपकी बाइक में, उसके पास थी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अभी वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगी, लेकिन जैसे ही हमने उसे कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो वो हीट हो गई और वो हीट होते ही क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी अटेन कर लेगा। तो जितनी मिनिमम एनर्जी हम देते हैं ताकि वो फ्यूल को एक्टिवेट कर सके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू अटेन द थ्रेशहोल्ड एनर्जी बाई द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गई, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को थ्रेशहोल्ड एनर्जी अटेन करने के लिए जितनी क्वांटिटी में एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को ई ए साइन से डिनोट करते हैं। चलिए, तो यानी कि ये आपका रिएक्टेंट है मान लीजिए, ठीक है, रिएक्टेंट को ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी अटेन करनी है तो मुझे इतनी क्वांटिटी में एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और उसको हमने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है बच्चों या रिएक्टेंट की, आपको अच्छे से दिख रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। ये देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है, तो दोनों को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको साइन कैसी मिलेगी, नेगेटिव साइन मिलेगी, और नेगेटिव साइन मिलेगी तो ये ग्राफ किसका हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हो गया ये। इन द सेम वे नीचे वाला केस देखिए,
रिएक्टेंट को थ्रेशहोल्ड एनर्जी अटेन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसे हमने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी अटेन करने के बाद वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं EP-ER करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? P की ज्यादा है और R की कम है। P की ज्यादा है और R की कम है, तो साइन कैसी आएगी? पॉजिटिव। यानी ये ग्राफ किसका हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का ग्राफ आपको आना चाहिए और आपको ईए आ गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन अब हम इस अरहेनियस इक्वेशन को यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसे एलएन के टर्म्स में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एलएन के इज इक्वल्स टू एलएन ए, और ये पावर वापस नीचे आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि इसको कैसे लिखते हैं, एलएन ए माइनस ई ए बाय आरटी। हम सारी चीजों को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो इसको भी लॉग टू द बेस 10 में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303R1/T, ठीक है? अब ये हो गई आपकी मेन इक्वेशन, जिसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक और चीज, अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है बच्चा, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देती हूँ, लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303R1/T प्लस लॉग ए। अब जरा देखिए, ये वाई इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है? तो अब मुझे बताइए कि इसका ग्राफ कैसा आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो y एक्सिस पे लॉग k ले लीजिए, ठीक है? x एक्सिस पे क्या लेंगे आप? 1/t लेंगे, ठीक है? और ये कैसा जा रहा है? इनवर्स जा रहा है, करेक्ट? इनवर्स जा रहा है। उसके साथ साथ आपको पता है कि ये वाला जो m होता है वो किसकी वैल्यू होती है? स्लोप की वैल्यू होती है, और ये वाला जो वैल्यू होता है वो इंटरसेप्ट का होता है। तो ये हो गया आपका लॉग ए। और अगर आपको इसमें स्लोप निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्लोप विल बी इक्वल टू एम की वैल्यू, यानी कि माइनस ई ए अपॉन 2.303R। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्लोप निकालने को बोले या एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को बोले, कोई भी तीन वैल्यू दी होगी, ये यूज कर लीजिए, ये यूज कर लीजिए, ये यूज कर लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी, या फिर वाइस वर्सा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब हम एक सिचुएशन देखेंगे जहां पे ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखने हैं। डेरिवेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि आपको एक सिचुएशन दी है, आपको रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे K1 दिया है और T2 टेम्परेचर पे K2 दिया है, तो आपको EA निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी। आप कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये तो आप ग्राफ प्लॉट करके T1 पे K1 निकाल सकते हैं, T2 पे K2 निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके, लॉग K1 इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303R1/T1। ये हो गया इक्वेशन पहली। लॉग K2 इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303R1/T2। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल टू आपका ऊपर यहाँ पे देखिए, आप किस चीज को कॉमन ले सकते हैं? ईए को कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट? ओके, तो बच्चा यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? ईए अपॉन 2.303R, अंदर क्या बचेगा? 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है? सो ये लॉग की वैल्यूज को तो डिवाइड में लिखेंगे, तो लॉग कॉमन ले लेते हैं, ये K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आर की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 8.314 लेनी है आपको, टेम्परेचर हमेशा कैल्विन में लेना है। ये कुछ बेसिक चीजें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े, तो ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन,
फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी आपकी जीरो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इफ के एट 280 केल्विन इज दिस। ठीक है, तो 280 केल्विन और 300 केल्विन रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन, जरा देखिए हमारा ये इक्वेशन होगा। अगर आपका ईए जीरो हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। दिख रहा है आपको, अगर ईए जीरो होगा तो जीरो मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी नंबर इट इज जीरो ओनली। तो ये तो सेक्शन ही खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू, सो लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है हमारे पास क्या बच गया माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग के टू बाय के वन इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। और अगर हम लॉग यहां से हटा दे तो ये वैल्यू हो जाएगी के टू बाय के वन इज इक्वल टू वन। तो जो K2 होगा वही K1 होगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल गया K2 will be equal to K1 is equal to 1.6 into 10 to power 6। कुछ भी नहीं करना है, बट यहाँ पे अगर जीरो की जगह वन आपको नहीं पता है तो आपकी लग जाएगी, है ना। तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 50 टू 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हमेशा आपको केल्विन में लेना है, सेल्सियस में नहीं लेना। ठीक है, सो टी वन आपका 50 है तो 50 प्लस 273 हो गया, और टी टू आपका है 100 प्लस 273, तो ये हो गया आपका 373, और ये कितना हो गया बच्चा 3, 7 प्लस 5 12, 2 कैरी 1 2 प्लस 1 3, 323 हो गया, करेक्ट। ओके, एंड द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन ट्रिपल्स, यानी कि लॉग के टू बाय के वन, तो हम क्या बोल सकते हैं K2 is 3 times K1, है ना, ट्रिपल हो गया, तो K1 K1 कैंसिल, तो इधर log 3 बचा सिर्फ, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303। R की वैल्यू हमेशा आपको 8.314 लेनी है, ब्रैकेट में जाएगा 1 by 323 माइनस 373। अब इस कैलकुलेशन में आपका थोड़ा टाइम चला जाता है, लॉग 3 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है 0.4771, उसको यूज कर लीजिए, तो 0.4771 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इक्वल टू EA। अब इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 373 माइनस 323 डिवाइड बाय 373 इंटू 323 माय डियर स्टूडेंट्स, इसको पूरा सॉल्व करिए, आपको थोड़ा वक्त लग जाएगा इस क्वेश्चन में, ये टेम्परेचर वाला सेक्शन सॉल्व करने में, सो ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आपका 40 हो जाएगा। फाइनल आंसर मैं आपको बता देती हूँ 103584, फाइनल आंसर एक्टिवेशन एनर्जी का आएगा 103584 जूल में। सॉल्व करके देखिए एंड लेट मी नो द आंसर ऑफ योर्स, ठीक है, इसको लिखेंगे जूल पर मोल में माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, आई होप यू आर क्लियर। एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं या फिर स्लोप पे आते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर होता है। ठीक है, और जिन बच्चों ने कोर्स खरीदा उनके पास पूरी शीट मिल जाएगी कि और कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हम देख लेते हैं कि कोलिशन थ्योरी और अरहेनियस इक्वेशन दोनों क्या कहना चाहते हैं एट द एंड। वाइंड अप करने से पहले मैं वो आपको बताऊंगी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अगर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो यही अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है, उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली कैटलिस्ट करता क्या है, पहले हम ऐसा कहते थे कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेता, लेकिन लेट मी टेल यू कि कैटलिस्ट क्या करता है। मान लो पहले ए और बी मिलके सी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट जनरेट करते थे या मान लीजिए डी प्रोडक्ट जनरेट करते थे, ठीक है। और मान लीजिए ये रिएक्शन दो दिनों में होती थी, लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट प्लेस किया, ये ए और बी ने कंबाइन होने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया, ठीक है, कोई नया तरीका ढूंढ लिया, और ये किसके साथ कंबाइन हुए, कैटलिस्ट के साथ। यानी कैटलिस्ट रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए पार्ट तो लेता है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में अंदर गया है रिएक्शन में, उतनी ही क्वांटिटी में रीजनरेट हो जाता है। यानी एक्चुअली इट इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, बट इट इज कमिंग बैक इन द सेम क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दैट कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं कंबाइन होने के लिए, और जब वो कैटलिस्ट से कंबाइन होते हैं तो एक इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जनरेट करते हैं, और उसकी वजह से, ठीक है, जब भी ये कैटलिस्ट से कंबाइन होते हैं तो एक नया तरीका ढूंढते हैं उसी रिएक्शन को कैरी आउट करने का, विच रिक्वायर्स लेस एक्टिवेशन एनर्जी, और इसीलिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, सो ये स्पीड में हो जाता है रिएक्शन, और प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते कि कैटलिस्ट बिल्कुल रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेता, लेता है, एक छोटा तरीका दिखाता है, एक नए तरीके से कंबाइन होके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को एक जगह पे लाके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और उतने ही क्वांटिटी में रीजनरेट हो जाता है। तो ये काम था कैटलिस्ट का, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं कोलिशन थ्योरी और अर्किनियस इक्वेशन को जरा कंपेयर करते हैं। कोलिशन थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है, जो कि आपने 11th में चैप्टर नंबर 5th में पढ़ी थी, ठीक है। तो अर्हेनियस इक्वेशन ने आपको दिया K is equals to AE minus EA upon RT, ठीक है। A को हमने बोला था फ्रीक्वेंसी फैक्टर, याद करिए A को क्या बोला था हमने, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला था, ठीक है। यहीं पे अगर आप कोलिजन थ्योरी में देखें तो इसमें मैंने आपको दो दो बातें बताई थी कि हर मॉलिक्यूल कोलॉइड होना चाहिए, कोलॉइड होने के बाद कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, और इफेक्टिव होने के बाद उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो फिर कोलिशन थ्योरी में ये करेक्शन फैक्टर की तरह इंक्लूड किया गया, जिसमें Z डिनोट करता है कोलिशन फ्रीक्वेंसी और P डिनोट करता है इफेक्टिव कोलिशन। तो किस तरह से ये चीजें रेट कांस्टेंट से लिंक्ड है, ये इस रिलेशन से हमें पता चलता है। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये जो P और Z इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट P एंड Z अर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो A के इक्वल होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया कोलिशन थ्योरी और अर्हेनियस इक्वेशन में, माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हम क्लास वाइंड अप करते हैं। ये पूरी तरह से हमने चैप्टर को कवर कर लिया है, कोई भी छोटा या बड़ा सेक्शन नहीं छोड़ा है। आई होप आपने एंजॉय किया हो, वीडियो को लास्ट तक देखा है, और बड़ा मजा आया होगा आपको। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और ट्रस्ट मी, बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं 4:15 पे शार्प दबंग लाइव क्लास में, जिसके अंदर हम हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स कर रहे हैं विद्याकुल पे। कल का आखिरी सेशन, लाइव सेशन, जो कि आपके लिए उस प्लेटफॉर्म पे फ्री होगा, उसके बाद आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा यूट्यूब पे, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।